तो इसमें आप संतों की जो महिमा है उसका बयान है कि कैसे अगर एक व्यक्ति का जीवन अगर डामाडोल है भी, तो जैसे ही उसने ये संतों का आसरा लिया, संतों का तो युगों युगों से यही काम रहा है कि हर एक को ठीक मार्ग पे डालना, अपने आप की पहचान कराने के लिए, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए जिज्ञासुओं को वो एक इनकरेजमेंट देना, वो रास्ता बताना कि कैसे अपने आप की पहचान की जा सकती है। सात संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी। जी तो ये हम इस संसार में जब आए हैं, तो वो भी जहाँ हमें अपने आप को ये स्पिरिचुअली इनलाइटनमेंट लेकर, ये अपने आप का असली मकसद जब तक हम ये खोज रहे हैं, ये मिल रहा है यहाँ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो साथ ही जो हमारे लिए ये जिंदगी है, ये जो जीवन है, हम किसी परिवार में जन्मे हैं, हमारा काम काज या कोई भी जिम्मेवारियाँ जो घरेलू हैं, तो वो जब हम कर रहे हैं, तो वो करते करते हमने जो कि बहुत ज़रूरी भी है कि अगर शरीर है तो उसको खाना भी पहुँचाना है, तन है तो मेहनत करके तन को ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए, घर भी चाहिए, तो ऐसी जो हालत है, जो हमें सब सामान जो हमारे एक गुजरान के लिए है, उसमें हम कहीं अपना मन वस्तुओं से इतना ना जोड़ लें कि सिर्फ वो वस्तुएं हमको इतनी इम्पोर्टेंट लगें कि अगर निरंकार ने कभी वो एक भी वस्तु हमसे छीन ली, तो हमारा मन इतना डामाडोल हो के इतनी वो डिप्रेसिव स्टेट ले ले। तो वो डिटैच्ड अटैचमेंट वाली बात यहाँ कि हम जब निरंकार में ही हर समय खोए रहेंगे, वो उस लगन में लगे रहेंगे, तो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं हमारे आराम के लिए हैं, ये बात जानते हुए हम वो चीज़ों से सिर्फ तब उतना ही जुड़े हैं जितना उनका इस्तेमाल है, उससे इतना ना जुड़े कि उनका किसी दिन जीवन में ना होना हमारे को बहुत ज़्यादा एक परेशानी दे जाए। तो जैसे वही बात कि ये डिटैच्ड अटैचमेंट के इस स्टेट तक पहुंचना कैसे है, कि बात अगर हमारे को उदाहरण के तौर पे एक अगर कोई खाने की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और एक दो हफ्ते हो गए वो खाने को नहीं मिली, तो जैसे ही वो हमारे सामने आए और हमें मन कर रहे कि वो खा लेते हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आज फाइनली वो चीज़ मिल गई, पर फिर भी अगर घर में कोई छोटा बच्चा हो और बोले कि उसको वो चीज़ खानी है, तो हम अगर तुरंत बिना ये सोचे कि ये मेरे को इतने समय के बाद मेरी मनपसंद चीज़ मिली है पर ये मेरा बच्चा खाना चाह रहा है, हम ऐसा ना सोचते हुए अगर उसको अपना वही खाने की वस्तु वही प्लेट उसके आगे रख देते हैं और अपने मन में वो भाव भी नहीं आने देते कि कैसे हमको चाहिए थी, किसी दूसरे ने क्यों ले ली, तो वो डिटैच्ड अटैचमेंट की बात कि अगर हमारे को चाहिए था मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी उसमें अच्छा लगा, तो वो चीज़ की खाना भी पसंद का फिर भी ना मिलना, तो दातार उस तरह हर एक पे ये कृपा रखे कि हम विचरण जहाँ पे भी करें हमारा उस तरह ध्यान लगाया, अगर मेहनत करनी है इस दुनिया में आए हैं तो कोई उपलब्धि की तरफ अपना सपना बनाना, वो ड्रीम्स लेना, वो तो बहुत जाहिर सी बात है, पर निरंकार के आसरे जितना ड्रीम लेंगे और जितना हम अपने मकसद की ओर जाना चाहेंगे, इसमें हमारी मेहनत की कोई कमी नहीं आए कि हमें अपना बेस्ट देना है, वी हैव टू गिव 100%, पर साथ ही वो अगर कार्य पूर्ण हो तो भी निरंकार की रज़ा, वो ना पूर्ण हो तो भी निरंकार की रज़ा, तो वही शुक्राना भाव कि हर स्थिति में ही बस दातार को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो वहाँ इस लाइन में वही डिटैच्ड अटैचमेंट की बात हो रही है। हाँ जी, जिस दे दिल विच इको वसिया सब नू वेखे इक निगाह। तो जैसे अगर हम कोई लाल चश्मा पहन ले या किसी भी रंग का पहन ले, तो हमें सब कुछ एक उस रंग का ही नजर आने लग जाता है, वो एक निगाह मिल जाती है कि फिर हमें अलग रंग नहीं दिख रहे, हमें वो एक ही रंग हर एक में दिख रहा है, हम फिर किसी को अगर इंसान को देख रहे हैं तो ये नहीं देख रहे कि इसका पहनावा कैसा है, ये कौन से स्टेट से आया है, कौन से देश से आया है, कौन सी जाति पाती या कितना फाइनेंशियली अमीर या गरीब या उस तरह के जो भी भेदभाव वाली बात आती है, कि
फिर जब पता ही है कि ये एक नज़र का चश्मा कौन सा है, ये निरंकार का चश्मा, ये जब हमें हर एक में ही देख लिया निरंकार, तो सब हमारे लिए एक बराबर हैं। फिर वो ऊंच नीच की अपने मन से जो हमने दीवारें बनाई हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। हमारा नज़रिया एक समान, एक समदृष्टि वाली बात वो आ जाती है, और वही हम जब तक निरंकार को अपने जीवन में, अपने दिल में बसा के रखेंगे, तो हम अपने आप को ऐसी गलतियों से भी बचाएंगे जिसमें हम अपने आप को दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ मान रहे हैं, या अपनी प्रेफरेंसेस को ऐसा मान रहे हैं कि वही ठीक हैं, दूसरों की ठीक नहीं है। हाँ जी, संत चरण दी तूड़ी छो के मंगता भी हो जांदा है शाह। तो इसमें आप संतों की जो महिमा है उसका बयान है कि कैसे अगर एक व्यक्ति का जीवन अगर डामाडोल है भी, तो जैसे ही उसने ये संतों का आसरा लिया, संतों का तो युगों युगों से यही काम रहा है कि हर एक को ठीक मार्ग पर डालना, अपने आप की पहचान कराने के लिए, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए जिज्ञासुओं को वो एक इनकरेजमेंट देना, वो रास्ता बताना कि कैसे अपने आप की पहचान की जा सकती है। तो जैसे ही वो इतने महान संत जो सब हैं उनके अगर चरणों की धूली समान भी हम अपने अगर ले लेंगे अपने मन में, अपने आप को इतना निमर करके कि उनकी धूली भी हमारे लिए जीवन तारने वाली बात कर रही है, तो वही बात कि कैसे जिसने सत्संग का आसरा लिया, जिसने सुमिरन का आसरा लिया, जिसने सेवा करी, उसका जीवन तो फिर अपने आप ये निरंकार से जुड़ता जा रहा है, ये गहरा और होता जा रहा है। हाँ जी, जिसते दिल निरंकार दा वासा हुंदा नहीं हो बेसबर। तो अब संसार में कोई भी स्थिति अगर उस व्यक्ति के आगे आती है, जब वो पक्की तरह ये मन में निरंकार का विश्वास कर चुका है, संगतों का संग कर चुका है, तो फिर वो अवस्था आ जाती है कि मन में किसी तरह की बेचैनी रही रहती, वो अपनी सहज अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। तो हमें भी किस तरह वो सहज अवस्था में आना है, हमें बिल्कुल ऐसा कुछ भी ना मन में रखें जो बेचैनी दे, बेकरारी दे। तो वो कुछ भी हो, वही बात जो कुछ पंक्तियों पहले थी कि शुक्राने भाव में जब तक हम रहेंगे, ये अपने आप हम बहते चले जाएंगे इस निरंकार की बनाई हुई किसी भी अवस्था में, तो वही हमको बेकरारी, ये बेबसी, बेचैनी, ये सबसे दूर रखता है। क्योंकि एक गुरसिक कभी भी बेबस नहीं होता, ये गुरसिक की तो कभी भी किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं होती, हमेशा गुरसिक यही अपनी एक स्थिति मन की बना चुका होता है कि ये निरंकार का दिया हमको जीवन का हर पल है, और ये एज इट इज़ ये सर आँखों पे। तो उसमें फिर अगर हमारे पसंद के हिसाब से भी कोई चीज़ नहीं हो रही, तो भी उसको हम उस सिचुएशन में तंग नहीं होते। हाँ जी, कहे अवतार हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुकर शुकर। तो ये शुक्राना भाव जो हमारे को रखना है हमारे अंदर हर समय, कि कोई भी सिचुएशन हो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही याद रखते हुए कि हमारा इस समय ठीक है, हम कोई अपनी परिस्थिति, कोई सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज हो सकता है वो हम खुद हो सकते हैं, हमारे मन के भाव हो सकते हैं। जैसे अभी भी अगर इतनी गर्मी में आप सब आके बैठे हुए हैं, तो इसमें हम में से किसी का भी बस नहीं कि हम गर्मी को एक ठंडक में बदल दें, पर हाँ हम इतना कर सकते हैं कि अपना थोड़ा थोड़ा देर में पानी पीते रहें, अगर कहीं से पंखे या अपने आप को झोल के हवा, किसी तरह अपने शरीर का वो टेम्परेचर बदल लें। तो बात वही, हम सूरज के तपश को तो नहीं बदल सकते, पर हम गर्मी में बैठे हुए कैसे थोड़े और कंफर्टेबली बैठ सकें, उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। तो वैसे वही बात कि हम हर स्थिति में ये अपना गुजारा ऐसा करें कि बस इससे अच्छी ये सिचुएशन नहीं। अगर कोई शरीर रूप में पीड़ा है, कोई आर्थिक रूप में पीड़ा है, किसी की गृहस्थी में कोई ऐसे लगता है, तो भी वो बात नहीं कि हमें उस पर ऐसे कहना है कि दातार तूने सबको तो ठीक ठाक बनाया, सिर्फ हमको ही ऐसा क्यों,
या फिर कोई अपने शिकवे गिले उस तरह रखने, वो बेहतरी तो परमात्मा को ही पता है, जो हमारा रचनकार है, जो इतना हमको पल पल जिसको पता है कि हमारे लिए क्या सबसे ठीक है, तो वैसा ही हम अपना व्यवहार बनाते चले जाएं। तो दासी, और समय आपका नहीं लेना चाह रही है, बस यही बात कि अभी ये जो पंजाब टूर कर रहा और ये उस टूर की आखिरी कड़ी जलंधर में, इस तरह आप सबको देखकर वो जो भाव आ रहे हैं कि ये सत्संग को सत्संग की तरह ही किया जा रहा है, चाहे ये मौसम जैसा भी रहा हो, फिर भी इतनी पेशेंटली सब यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आज एक एक वचन जो भी वक्ताओं से सुनने को मिला वो बिल्कुल जीवन को बदलने वाली बात थी। उनमें वो भक्ति को हम अपने कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो सिखलाई थी। तो जब इतनी रूह को खुराक मिल रही होती है तो ही वो एक बात कि वो अपने आप को हम सुधार भी रहे हैं, तो भी ये मौसम की गर्मी ठीक है। तो वही हमें अपने मन में रखना है कि चाहे हमारी स्थिति कुछ भी हो, शुक्र उसमें है। अगर आर्थिक रूप में अमीर हैं गरीब हैं तो बात यही कि अगर हम सबके वो बात की जिसके पल्ले नाम धन ओयो सच्चे शाह, तो वो सच्चे शाह बनने की हमारे को अनमोल दात जब मिल गई है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझ के अपने मन को, अपनी नज़रों को, अपने भाव को ख़राब ना करते हुए सभी को एक आदर की नज़र से, सभी के लिए अपने मन में प्यार बना के, इस निरंकार प्रभु परमात्मा के प्रति विश्वास बना के, एक ये वननेस ह्यूमिलिटी, ये एकत्व की बात हो गई, एक हार्मनी की बात हो गई, एक करुणा दया विशालता, तो जितने भी हम ऐसे अच्छे गुणों को अपने अंदर ढाल सकें वो तभी हम ढाल सकेंगे जब एक बारी हमने इस परमात्मा के आगे अपने इस ईगो को सरेंडर कर दिया, ये अहंकार को तज दिया। तो दातार सभी पे कृपा करे कि सेवा सुमिरन सत्संग की दात सबकी झोली में जो है वो और बढ़ती चली जाए, ताकि हम अपना भी जीवन उससे सुखदायी बनाएं और जो भी हमारे अंग संग रहते हैं किसी रूप में भी उन पे भी ये प्रभाव अच्छा पड़े। सात संगत जी, धन्यवाद जी।